नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, एडमिशन ऑफ पार्टनर का हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसके दो पार्ट मैंने अपलोड कर चुका हूं। अब ये जो तीसरा जो पार्ट है, इसके अंदर हम गुडविल की ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पिछले पार्ट में हमने गुडविल की डेफिनेशन, काइंड्स, वैल्यूएशन और थ्योरी पढ़ी थी। अब पढ़ेंगे गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के अंदर, दो प्रकार से होगा। जब पहले से बुक में गुडविल का अगर अकाउंट ओपन हो तो पहली सिचुएशन, अगर ओपन नहीं हो तो दूसरी सिचुएशन। तो पहली सिचुएशन, जब गुडविल का पुस्तक में पहले से ओपन हो, तो इसके अंदर तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है जब ख्याति की राशि नए साझेदार द्वारा पुराने साझेदार को निजी रूप से दी जाए। तो वो निजी रूप से अगर उसे देगा तो उसकी एंट्री हम पुस्तकों में क्यों करेंगे? तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, तो उसकी नो एंट्री होगी, यानी एंट्री नहीं होगी। दूसरी कंडीशन, जब ख्याति की राशि नए साझेदार द्वारा फर्म में नगद रूप से लाई जाए, नगद के तौर पे लाया जाएगा, तो इसकी तीन एंट्रियाँ होगी। पहली एंट्री, नगद रूप में ला रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल या न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दूसरी, उस गुडविल को पुराने पार्टनर्स यानी जो साझेदार हैं उनमें बांटने पर गुडविल या न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तीसरी, यदि पुराने साझेदार उस गुडविल को अगर ले लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। और जो तीसरी कंडीशन है, जिसमें जब ख्याति की राशि नए साझेदार द्वारा नगद में नहीं लाई जाए, इसमें नगद में लाई जाती है, इसमें निजी रूप से दे दी जाती है और इसमें नगद में नहीं लाई जाती, तो नए साझेदार के हिस्से में ख्याति की राशि से त्याग का अनुपात में समायोजन प्रविष्टि कर देंगे। जब नया साझेदार आएगा तो उसका जो हिस्सा होगा गुडविल के अंदर, उस हिस्से को हम पुराने साझेदारों में उनके त्याग के अनुपात में हम बांट देंगे। अब जब गुडविल अकाउंट पहले से ओपन ना हो, पुस्तकों में पहले से खुला हुआ नहीं होता, तो उसमें दो कंडीशन होती है। जब नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि फर्म में नगद लाई जाए और जब नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद में नहीं लाई जाए। तो जब नगद में लाई जाती है तो सबसे पहले तो हमें पुराने साझेदारों के जो गुडविल अकाउंट है उसको हम राइट ऑफ करते हैं, उसको बंद करते हैं। तो बंद करने की एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। उसके बाद में जो प्रविष्टियाँ होंगी वो सारी प्रविष्टियाँ ये हो जाएंगी, ये जो तीन प्रविष्टियाँ हैं सेम ये प्रविष्टियाँ यहाँ पर हो जाएंगी। दूसरी जो कंडीशन है वो है ख्याति की राशि नगद में नहीं लाई जाए, तो वही पहले गुडविल अकाउंट है पुराने साझेदारों का उसे बंद कीजिए, तो एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और दूसरी एंट्री होगी न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। दूसरी एंट्री न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर। ये एंट्री तब होगी जब नया साझेदार बिजनेस के अंदर ख्याति की रकम नहीं लाता है, तो उसका ख्याति में जो हिस्सा होगा उस हिस्से को पुराने साझेदारों में उनके त्याग के अनुपात में बांटा जाएगा। तो दोस्तों, ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझते हैं। ए तथा बी एक फर्म में 5-3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने 1/5 हिस्से के लिए सी को प्रवेश दिया। उनका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात है 19:13:8। सी द्वारा अपनी पूंजी तथा ख्याति हेतु निम्नलिखित संपत्तियां व शेष नगद राशि दी गई। भूमि 2,00,000 रुपये, प्लांट 1,00,000, देनदार 60,000, स्टॉक 40,000 रुपये। सी के प्रवेश पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन था 6,00,000 रुपये पर किया गया। सी के प्रवेश के बाद में फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए। सबसे पहले ए और बी आपको 5-3 का अनुपात दे रखा है, बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने सी को प्रवेश दिया 1/5 हिस्से के लिए और उनका जो नया रेशियो है वो है 19:13:8। इस अनुपात में उनका नया रेशियो है तीनों का। गुडविल जो फर्म की दे रखी है वो है 6,00,000 रुपये। तो सबसे पहले तो हम गुडविल में इस सी का जो हिस्सा है 1/5, तो इसके आधार पर हम गुडविल की गणना करेंगे। तो इस 6,00,000 में इस सी का जो 1/5 हिस्सा है उसके आधार पर सी की जो गुडविल है वो है 1,20,000 रुपये। ठीक है, तो इस 1,20,000 को हम इस गुडविल के पॉइंट में लिख देंगे। एंट्री में देखिए वो क्या क्या लेके आया था। ज़मीन लेके आया था 2,00,000 रुपये की, प्लांट लेके आया था 1,00,000 रुपये का, डेटर्स लेके आया था 60,000 का, स्टॉक लेके आया था 40,000 का। जितनी भी एसेट्स हैं उनको सबको डेबिट कर दिया। क्रेडिट में देखिए गुडविल हुई उसकी 1,20,000 रुपये की, तो 1,20,000 की उसकी गुडविल हो गई। और ये 4,00,000 हैं जिसमें से 1,20,000 कम किए तो आए 2,80,000। 2,80,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर के रूप में सी की
कैपिटल आ गई 280,000 रुपये। अब इस गुडविल को पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में उनके त्याग के अनुपात में हमें बांटना है। अब इस गुडविल को हमें पुराने साझेदारों में उनके त्याग के अनुपात में बांटना है, तो त्याग का अनुपात देखिए ऐसे निकलेगा, त्याग का अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना अनुपात दिया हुआ है 5:3, तो 5/8 और 3/8 ए का और बी का, और जो नया अनुपात है वो है 19:13:8, तो 19 और ये 13, 19/40, 13/40, इस प्रकार से आए 6/40, 2/40, तो ए और बी का त्याग का अनुपात आया 6:2। तो जो 120,000 रुपये की जो गुडविल है उन्हें पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में बांटेंगे 6:2 में, तो इस 120,000 को 6:2 में बांट देंगे। एक फर्म में पी तथा क्यू 3:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने 1/4/2008 को आर को 1/5 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया। आर द्वारा अपने हिस्से की ख्याति के 30,000 रुपये पुराने साझेदारों को निजी रूप से चुकाए। 1/4/2009 को एम को उन्होंने 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। एम द्वारा 20,000 रुपये ख्याति के लिए नकद दिए गए, जिसका 60% पुराने साझियों द्वारा निकाल लिया गया। उन्होंने 1/4/2010 को ओ को फर्म में प्रवेश दिया, जिसमें उसने अपने 1/7 हिस्से के लिए 30,000 रुपये की ख्याति के लिए नकद दिए, जिसे फर्म में रखा गया। उपयुक्त व्यवहारों हेतु जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। तो दोस्तों आपको एग्जाम्पल के अंदर जो दिया गया था वो था पी और क्यू का जो अनुपात है 3:1, जिसमें लाभ हानि बांटते हुए ये दोनों साझेदार हैं। इन्होंने आर को प्रवेश दिया 1/5 हिस्से के लिए और 30,000 रुपये ये ख्याति लेके आया, लेकिन निजी तौर पर इनको चुका दिया। तो इसकी तो आपने वो पीछे फॉर्मेट पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी, निजी तौर पर चुका देते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री होगी, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने एम को प्रवेश दिया 1/6 हिस्से के लिए, जो 20,000 रुपये की ख्याति लेकर आया, और 60% जो पुराने साझेदार थे इन्होंने इस ख्याति में से 60% निकाल लिया। तो आइए सबसे पहले एंट्री करते हैं, जो ये 20,000 रुपये की गुडविल लेके आए उसकी एंट्री देखिए। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 20,000 रुपये डेबिट में और 20,000 रुपये क्रेडिट में। अब इस 20,000 को पुराने साझेदारों में बांटने पर, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल, क्योंकि आर भी अब इस संस्था में शामिल हो गया है, तो अब इसे किस अनुपात में बांटा जाए, तो इसका अनुपात देखिए इस प्रकार से निकालेंगे। वर्किंग नोट में आइए, आर को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया था, तो व्यवसाय का बाकी जो शेष हिस्सा बचा वो कितना था, इस एक में से 1/5 को घटा देंगे तो 4/5। अब इस 4/5 के आधार पर पी का क्यू का और आर का हिस्सा, पी का 4/5 × 3/4 जो कि इसका पुराना हिस्सा था 3/4, क्यों का था 1/4, तो 4/5 × 1/4, तो पी और क्यों का आया हिस्सा आ गया, और आर 1/5 हिस्सा के लिए प्रवेश लिया, तो इसके लघुतम को भी बराबर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा अंश और हर में। इस प्रकार से इनका नया अनुपात आया 12:4:4। तो इस अनुपात में हमने इस 20,000 रुपये गुडविल को बांट दिया। इसके बाद में जो पुराने जो पार्टनर्स थे उन्होंने 60% इस गुडविल में से 60% निकाल लिए, तो पीज कैपिटल क्यूज कैपिटल अकाउंट आर्स कैपिटल टू गुडविल, तो 20,000 का 60% यानी कि 12,000 रुपये इन्होंने निकाल लिए, तो उसी अनुपात में इन्होंने गुडविल को निकाल लिया। तो ये 3 प्रविष्टियाँ होंगी। उसके बाद में हमने ओ को 1/7 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, जो 30,000 रुपये लेकर बिजनेस में प्रवेश हुआ। तो सबसे पहले इसकी गुडविल बिजनेस के अंदर आई, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 30,000 रुपये डेबिट और 30,000 रुपये क्रेडिट। इसके बाद में इस गुडविल को हम पुराने साझेदारों में बांटेंगे। अब पुराने साझेदारों में पी क्यू आर और एम और जुड़ गया, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल। अब इसे किस अनुपात में बांटना, इस 30,000 रुपये को किस अनुपात में बांटना, आइए एक नया अनुपात निकालते हैं। एम 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश हुआ था, तो बाकी जो शेष हिस्सा बचा वो था 1 − 1/6 = 5/6, तो पी इस 5/6 का नया अनुपात देखिए, जो पुराना था 12/4/4 था, तो उसके आधार पर निकालेंगे, तो 5/6 × 12/20। इसी तरह क्यों का 5/6 × 4/20, आर का 5/6 × 4/20, ये तीनों का आ गया। एम को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, तो एम के नीचे हर और अंश को 20 से मल्टीप्लाई करके हर को बराबर करेंगे। इस प्रकार से इनका नया रेशियो आया 60:20:20:20। इसको सरल किया आगे
तो 3:1:1:1:1 3:1:1:1 में इसे बांट दिया। इस प्रकार से इस एग्जाम्पल का हल आपके सामने है। ए बी तथा सी 3:2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने डी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। उसने 1/8 ए से और 1/8 बी से प्राप्त किया। पुस्तकों में ख्याति खाता 15,000 पर विद्यमान है। डी अपनी पूंजी हेतु 1,00,000 रुपये तथा ख्याति के लिए 20,000 रुपये नकद लाया। डी के प्रवेश पर जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए। हाँ तो दोस्तों एग्जाम्पल के अंदर देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया था ए बी सी तीन पार्टनर है जिनके अनुपात ये है 3:2:1। उन्होंने डी को प्रवेश दिया 1/4 हिस्से के लिए। अब डी अपना जो हिस्सा है वो 1/8 तो ए से लेता है और 1/8 बी से लेता है, यानी 1:1 उनका त्याग हो गया। अब सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से विद्यमान है यानी कि खुला हुआ है, तो सबसे पहले जो पुराने साझेदार हैं उनका जो गुडविल अकाउंट है उसे हम बंद करेंगे। तो पुराने साझेदार है ए बी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 15,000 रुपये उनके 3:2:1 में हमने इसे क्लोज कर दिया। उसके बाद में जो डी है वो 1,00,000 रुपये तो पूंजी के लाया और 20,000 रुपये गुडविल के लेके आया, तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपये टू डीज कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपये टू गुडविल अकाउंट 20,000 रुपये। अब इस 20,000 रुपये को हम पुराने पार्टनर्स के अंदर उनके त्याग अनुपात में बांटेंगे, तो गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये टू एज कैपिटल और टू बीज, क्योंकि ए और बी ने ही डी को अपने हिस्से में से दिया है, तो उनका त्याग अनुपात 1:1, तो 20,000 को 10,000 रुपये में इक्वली बांट देंगे। ए तथा बी एक फर्म में 7:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने सी को 2/7 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया। पुस्तकों में ख्याति 20,000 रुपये पर विद्यमान है। सी के हिस्से की ख्याति 16,000 रुपये निर्धारित की गई, किंतु वह नकद में लाने में असमर्थ था। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। दोस्तों एग्जाम्पल में आपको ए और बी का जो अनुपात है वो 7:3 दिया है। सी को उन्होंने 2/7 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। फर्म में पहले से ख्याति विद्यमान है 20,000 रुपये, यानी पहले से ख्याति खाता मौजूद है, तो उसको हम अप्लीकृत करेंगे। और उसके बाद में सी है उसका जो ख्याति है वो 16,000 रुपये बन रही थी, परंतु वह नकद में लाने में असमर्थ था। तो सबसे पहले तो जो ख्याति पुस्तकों में पहले से विद्यमान है उसे बंद करना, तो पुराने साझेदारों को डेबिट करना और गुडविल के अकाउंट को क्रेडिट करना। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 20,000 रुपये 7:3 के अनुपात में हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद में दूसरी एंट्री करेंगे, जो नए पार्टनर की गुडविल में जो हिस्सा होगा उसे तो करेंगे डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पुराने साझेदारों को उनके त्याग के अनुपात में करेंगे क्रेडिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल। तो ये है 7:3, इसमें हम इसे बांट देंगे। आई होप दोस्तों आपको ये गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आया होगा, किस प्रकार से हम एंट्रियाँ कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रविष्टियाँ कर सकते हैं, किस प्रकार से उनका समायोजन कर सकते हैं, और किस प्रकार से नया अनुपात त्याग का अनुपात हम निकाल सकते हैं, तो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए।